संजय पुनिया अपने बात रखे हैं जो 9 से पढ़ रहा सीएलसी में। मेरा नाम संजय पुनिया, मैं खट समझी का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम बनवालाल पुनिया है, वह खट समझी में शॉपकीपर है। हम यहाँ पे 9th क्लास में आ चुके थे। हमने फिर यहाँ पे सिक्कर में हम रूम लेके रहते थे पिता फैमिली के साथ में। हम यहाँ पे मैंने 9th और 10th में प्री फाउंडेशन की। 10th में मेरा अच्छा स्कोर भी था और फिर 11th में मैंने यहाँ पे फाउंडेशन करने का डिसीजन लिया और मैंने मैथ को चॉइस की क्योंकि मैथ में मेरी शुरू से ही रुचि थी। फिर हमने 11th में यहाँ पे पढ़ाई की और सब कुछ 11th में सब कुछ बढ़िया चल रहा था और 8 मार्च को हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका था। फिर हम सभी घर पे चले गए थे। फिर हमें 20 मार्च को पता लगा कि और लॉकडाउन लग चुका है, इसलिए फिर सब कुछ बंद हुआ। फिर हमने बॉस से कॉन्टेक्ट किया ही था कि क्या करना है, तो बॉस ने फिर ऐसे कहा कि हमारी 17 अप्रैल को ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। और फिर ऑनलाइन क्लासेस में हमें थोड़ी बहुत दिक्कत आई, फिर भी हमारा सब कुछ सही चल गया और दिसंबर के अंत तक हमारा सिलेबस पूरा हो चुका था। फिर हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज चालू हो गई। 4-5 टेस्ट सीरीज हमारी पूरे 3 अक्टूबर तक चली और मैंने लगभग सारे टेस्ट दिए थे। 2-3 टेस्ट छोड़कर मैंने सारे टेस्ट यहाँ पे दिए और जे मेंस में भी मेरा अच्छा स्कोर था और फिर एडवांस 3 अक्टूबर को लग। सर, ये लड़का टॉप ऐसे नहीं हुआ है, इस लड़के ने पूरी साल में 195 टेस्ट दिए हैं। पहला टेस्ट हुआ इसका 11/2/11 को, यानी 2 नवंबर को टेस्ट हुआ। 2 नवंबर से लेके 1 अक्टूबर तक इस लड़के ने 195 टेस्ट दिए हैं। तब जाके कोई बच्चा मेहनत करके तब इस तरह के बच्चे डेवलप हो पाते।